Hi everyone welcome to Gyanam I'm Himlata and I'm here today to discuss very important questions of Punjab GK so let's get started first question is who is the first lady chief minister of Punjab so who is the first lady chief minister of the Punjab and the right answer is Rajinder Kaur Patel. द फर्स्ट वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड इनका जो टाइम पीरियड था अराउंडीन नाइनटी सिक्स से लेकर नाइनटीन नाइनटी सेवन के बीच में और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो थी वो सीएम बनी थी राइट सो राजेंदर कौर पट्टल नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ पंजाब इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ये जो गवर्नर्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे एंड अरेंजमेंट एक्चुअली यही है सिक्वेंस फर्स्ट इज चंदूलाल त्रिवेदी आपको पता है ये पहले गवर्नर रहे हैं और दूसरे हैं चंदेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ये दूसरे आई I मीन mean, ये उसके बाद आए थे एंड देन कम्स नराहर विष्णु गादगिर एंड देन पटोम ए थनुप्लाई तो सीक्वेंस हमारा यही बनता है वन टू थ्री फोर देखो आपको ये पता है यहां से कि चंदूलाल त्रिवेदी ही पहले गवर्नर थे ये दो ऑप्शन तो हो जाती है चांसेस हो गए नाउ अब आपको इन दोनों में से चूज करना था एंड करेक्ट आंसर इज सो दैट इज हाउ एलिमिनेशन मेथड से आप पेपर में काफी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को लेकर हु इज द फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पंजाब कौन है येस yes. मिस विनी महाजन विनी महाजन आपको पता होगा 2020 में ही ये बनी है चीफ सेक्रेटरी और इनके जो हस्बैंड हैं दिनकर गुप्ता वो डीजीपी पंजाब है राइट सो जून 2020 में राइट विनी महाजन फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द पंजाब एनेक्स्ट बाय ब्रिटिशर्स पंजाब को ब्रिटिशर्स ने कब इनेक्स किया था यानी अपने कंट्रोल में कब लिया था So the right is 1890, uh, 1849. 1849 में जब सेकेंड एंग्लोसिक वॉर हुई थी फिनिश हुई थी कंक्लूड हुई थी uh, पंजाब जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था। और उस समय जो जो ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड दलहाउजी राइट सो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब ब्रिटिश ने पंजाब को इनेक्स किया तो उस समय पर कौन से गवर्नर जनरल थे पंजाब में द राइट आंसर इज लॉर्ड दल राइट

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है पी ये कब इस्टेब्लिश हुआ था सो इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1969 यस yes, 1969 और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है इट इज़ इन मोहाली एंड अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं योगराज शर्मा ठीक है योगराज शर्मा जो है वो इसके चेयरमैन हैं अभी फाइन ऑल राइट डन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीटेज कॉम्प्लेक्स सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हम ज्यादातर कॉमनली से बोलते हैं विरासते साहिब so है और ये जब बना था ये स्टैब्लिश हुआ था उन्नीस सौ निन्यानवे में ये स्टैब्लिश हुआ था तब हुआ था जब खालसा पंथ को स्थापित किए हुए 300 साल हो गए थे बाय गुरु गोविंद सिंह जी है ना 1699 से लेकर 1999 तक 300 हो चुके थे तब इसे, इसे स्टैब्लिश किया गया था इन दैट मेमोरी और इसके आर्किटेक्ट जो थे वो है मोशेस मैं, मैं नाम लिख देती हूँ यहां पे इसको फिर से इरेज करके द आर्किटेक्चर इज मोशे मोशे सेफदी सेफदी राइट ही इज एन इजराइली इसराइल में ये बॉर्न हुए हैं ही इज कैनेडियन अमेरिकन राइट तो इनके पास तीन सिटीजनशिप रही है कौन कौन सी पहले ये बॉर्न हुए थे इजराइल में देन कैनेडियन एंड अमेरिकन राइट मोशे सेफ डी जिन्होंने जो आर्किटेक्चर है इसके विरासत खालसा के सिख हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द सॉरी हु इज द फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट हु इज द फर्स्ट पंजाबी नॉवलिस्ट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड कौन से पंजाबी नॉवलिस्ट थे पहली जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था तो ये थे देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना ये नॉवलिस्ट पूछा है पहले पंजाबी पर्सन नहीं पूछा अगर पोइटिस पूछते या पर्सन पूछते तो आंसर आता अमृता प्रीतम वो पोइटिस थी राइट लेकिन नॉवलिस्ट पूछा है तो नॉवलिस्ट में आएगा गुरदयाल सिंह ठीक है सो गुरुदयाल सिंह वाज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट इनकी इनकी जो फेमस बुक है दैट इज मडी दा दीवा है ना मडी दा दीवा इनको इनको सिर्फ ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है मिला है ठीक है अर्ध चांदनी रात के लिए जो है वो इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है अर्ध चांदनी रात राइट द नाइट ऑफ हाफ मून फाइन ओके गुरुदयाल सिंह नेक्स्ट इज विच इज द बिगेस्ट ग्रेन मार्केट ऑफ द पंजाब इट्स नॉट ओनली पंजाब बिगेस्ट मार्केट बट ये एशिया की भी बिगेस्ट मार्केट है एंड वी ऑल नो दैट इट इज खन्ना ठीक है पंजाब की ही नहीं ये एशिया की भी बिगेस्ट मार्केट है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है पंजाब के ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आती है राइट राइट खन्ना जो है वो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आती है एंड इज द बिगेस्ट ग्रेन मार्केट इन पंजाब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वॉज वेन वॉज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर हेल्ड ऑन ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो कब हुई थी तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी 1809 में हुई थी हमें पता है है ना 1809 में हुई थी और किसके बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के बीच में और अंग्रेजों के बीच में और अंग्रेजों की तरफ से कौन था किसने रिप्रेजेंट किया अंग्रेजों की तरफ से मेट ने सो so, महाराजा रंजीत सिंह और मेट के बीच में हुई थी और इस ट्रीटी का मकसद क्या था मकसद ये था कि जो बाउंड्री है दोनों के दोनों के एरिया की वो हो जाएगी सतलुज सतलुज द बाउंड्री एंड यहाँ पर जो है वो सतलुज से उस तरफ लाहौर वाली साइड जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जो है उनका एरिया रहेगा और इस तरफ जो है वो ब्रिटिशर्स का एरिया रहे रहेगा राइट रहे? सो so, ये ट्रीटी हुई थी विच इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो कि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी फाइन ओके नेक्स्ट इज व्हेन वाज द पंजाब इन पेप्सू मर्ज वी नो दैट कि जब पंजाब बना था पार्टीशन के बाद तो उसमें बीच में ही एक पेप्सू स्टेट बन गई थी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राइट जो कि लेटर ऑन जो है वो इसको पूरे पंजाब के साथ ही मर्ज कर दिया गया था तो क्वेश्चन इज कि पेप्सू को पंजाब के साथ कब मर्ज किया गया था सो so, पेप्सू को मर्ज किया गया था नाइनटीन में right Pepsu was merged in punjab in 1956 next question is according to 2011 census the total population of punjab is the total population of the punjab according to 2011 census is 2.77 crores we know that right 2.77 crore is the punjab's population those are 11 ki census ki se. okay who was the pioneer of punjabi suba पंजाबी सुब्बा के पाइनियर कौन थे इसका आंसर तो पता है आपको है ना आंसर इज मास्टर तारा सिंह जो है वो पंजाबी सुबह के पाइनियर है कौन थे ये एक्चुअली ये जो थे इन, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाब के लिए सो so बेसिकली एक तो ये एसजीपीसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल थे उस टाइम पर और पार्टीशन जब हुआ था पंजाब का तो उस टाइम पर भी ये गाइडिंग लाइट थे सिखों के ठीक है जब क्या हुआ था पार्टीशन हुआ था फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्नीचर गुड्स फर्नीचर गुड्स के लिए पंजाब की कौन सी सिटी फेमस है कौन सी सिटी है करतारपुर जो की नियर जलंधर है एंड दिस करतारपुर इज फाउंडेड वॉज फाउंडेड बाय गुरु अर्जुन देव जी पांचवें गुरु ने जो है वो करतारपुर को स्टैब्लिश किया था राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पंजाबी पोइट टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड पंजाबी पोइट्रिक्स पूछा है पिछली बार जब हमने क्वेश्चन देखा तो वो नॉवलिस्ट था अभी पोइट्रिक्स है नाउ आंसर क्या होगा अमृता प्रीतम है ना अमृता प्रीतम अमृता प्रीतम इन वाला पाकिस्तान में जो आज है आज वो इंडिया का हिस्सा नहीं है जब पार्टीशन हुई थी देन शी केम टू इंडिया और प्रीतम जो था वो उनके हस्बैंड का नाम था ठीक so uh, है सो अमृता प्रीतम शी वॉज बोर्न इन पाकिस्तान गुजरा वाला एंड शी वॉज द पोइटिस उनकी फेमस पोइट पोईम है दैट Um, आज आखिश है ना नेक्स्ट इज हु इज द ईयर ऑफ पंजाबी नॉवल पंजाबी नॉवल का पाइन कौन है जिन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है इन्होंने कौन है ये श्री सरदार नानक सिंह सरदार नानक सिंह जो है इज द पाइन ऑफ पंजाबी नॉवल मैं इनकी थोड़ी थोड़ी आपको बता देती हूँ फिर मैंने कुछ इनकी लिखी है जैसे कि इनकी इनकी वैसे जो नॉवेल्स थी ना उनके नाम भी बड़े अलग से होते थे डिफरेंट होते थे ठीक है That is, जैसे आदमखोर आद खिडीरा फूल अद खिड़ीरा फूल है ना आग दी खेड़ चढ़ी चढ़दी कला छलावा चढ़दी कला छलावा है ना पवित्र पापी ये भी इनकी की है पाप दी ख, खाती देन, देन प्राश्चित पत्थर दे खांब, लाइक ये कुछ इनकी इनकी नॉवेल्स हैं ऐसे बहुत सारी नॉवेल्स जो हैं वो इन्होंने लिखी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंडीगढ़ रिमेंस कैपिटल ऑफ ओनली पंजाब फ्रॉम

नी डिजन्स ऑफ पंजाब स्टेट हाउ मेनी डिविजन स्टेट जब हम जब पंजाब का डिविजन हुआ था लाइक like हुआ था, तो जो जो partition से पहले जो total था ना उसके भी पांच ही डिविजन थे ठीक है उसके भी पांच डिविजन्स थे राइट सो so, जैसे जैसे रावलपिंडी हो गया मुल्तान हो गया लाहौर हो गया जुलंधर हो गया अंबाला हो गया ये पार्टीशन से पहले थे लेकिन आज के पंजाब को भी अगर हम देखे ना तो आज के पंजाब में भी पांच डिविजन हैं और ये पांच डिविजन हैं जैसे कि जलंधर वेट जलंधर रोपड़ पटियाला फरीदकोट एंड फिरोजपुर है ना तो ये पांच जो है डिविजन आज भी पंजाब में सो द राइट आंसर इज फाइव है ना जलंधर सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डिवीज़न है वो जलंधर और सबसे छोटा जो है दैट इज रोपड़ ये भी याद रखना ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पी एयू कहां पर है इट इज इन लुधियाना राइट इट इज इन लुधियाना के क्वेश्चन आ जाता है कि ये कब स्टैब्बलिश हुई थी कब स्टैब्लिश हुई थी पी इट इज इस्टैब्लिश इन 1962 1962 1962 में जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी नेक्स्ट हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको सारे कैबिनेट का पता होना चाहिए कैबिनेट मीनस जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं सो येस ये हैं आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे इनको है ना सो कौन है मनप्रीत सिंह बादल राइट मनप्रीत सिंह बादल जो हैं, इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब अभी अभी अनाउंसमेंट की इनकी रिपोर्ट आई है है ना तो खुश हो गए कुछ लोग तो चलो देखते हैं कब तक मिलता है कुछ चलिए देन हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बॉर्डर विद पंजाब नी स्टेट ध्यान से आंसर का क्वेश्चन करना क्वेश्चन का आंसर करना है that how many state पूछा है तो स्टेट देखा जाए अभी तो हिमाचल है हरियाणा है है ना और राजस्थान है अब जम्मू मत बोल देना क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूटी तो स्टेट पूछा है इसलिए आंसर तीन आएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी है और जो पाकिस्तान है वो कंट्री है ठीक है तो स्टेट सिर्फ तीन आएगी यूटी यहाँ पे जेके आ जाएगी ठीक है एंड देन उसके बाद जो है वन इंटरनेशनल बाउंड्री आ गई विद पाकिस्तान डन देन नेक्स्ट इज इज हु द फर्स्ट आईपीएस लेडी ऑफ पंजाब नॉट इन नॉट पंजाब बट इंडिया ऑल्सो है ना तो पंजाब ही नहीं सी ये इंडिया की भी फर्स्ट हैं और इनका नाम है मिस किरण बेदी किरण बेदी जो कि जिनका जो जन्म हुआ था वो 1949 में इनका जन्म हुआ था और शी बिकेम द फर्स्ट आईपीएस आईपीएस ऑफिसर और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बताती कि जो किरण बेदी थी वो आई एस भी बन सकती थी यू you नो know, हमें पता है कि जब रैंक्स आते हैं तो पहले IPS, आ, 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 के आते हैं फिर आईपीएस के आते हैं और जब प्रेफरेंस पूछी जाती है तो लोग ज्यादातर जो है वो आई ए एस लिखते हैं और उसके बाद आईपीएस पे जाते हैं है ना जो बन सकते हैं वो आई पी एस बनते हैं पहले तो किरण बेदी ने आईपीएस लिखा उन्होंने आई एस लिखा ही नहीं

लेकिन अगर आपने मुझे देना है तो आईपीएस दो वरना फिर रहने दो ठीक है मुझे नहीं चाहिए सो दैट इज हाउ शी गॉट द आईपीएस एंड दैट इज हाउ शी बिकेम द फर्स्ट आईपीएस आईपीएस विमेन ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड इंडिया एज नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द करंट एम पी फ्रॉम लुधियाना कॉस्टिटी लुधियाना से जो करंट एम पी हैत सिंह बिट्टू रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो लुधियाना से करंट एम पी है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है है ना एम पी कौन होता है एम पी होता है जो या तो लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा वो एम पी होता है लोकसभा में तेरह सीटें हैं राज्यसभा में सात सीटें हैं तो so यहाँ पे देख लेते हैं संतोष सिंह जो है ये जलंधर से हैं और मोहम्मद सदीकी सद्दीक जो है वो फरीदकोट से है और जसबीर सिंह गिल जो है वो खडूर साहिब से है ठीक है नेक्स्ट इज महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ स्टेट सेक्युलर कैरेक्टर के थे मतलब कोई रिलीजियस बहुत ज्यादा वो नहीं था उनका इन हिज कोर्ट मतलब उनके कोर्ट में हर तरह के लोग थे हर हर रिलीजन के लोग थे हिज कोर्ट फुल ऑफ हिंदू मुस्लिम एंड फ्रेंच ऑफिसर्स सो इन हिज कोर्ट फकीर अजीजुद्दीन जो थे ये क्या थे अ मुस्लिम जिनके पास रैंक कौन सा था सो so, so जो फकीर अजीजुद्दीन थे ये थे फॉरन मिनिस्टर ये याद रखना ठीक है फकीर अजीजुद्दीन क्या थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे लेकिन इसके साथ में प्राइम मिनिस्टर कौन थे उनके ध्यान सिंह डोगरा और उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे दीनानाथ जो कि एक ब्राह्मण थे एक डोगरा फैमिली से है एक ब्राह्मण फैमिली से है तो ये सभी सभी रिलीजन के लोग जो थे वो उनके कोर्ट में थे राइट ओके सो दीज वर द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी के वीव डिस्कस वी विल अगेन कम यू नो अगर आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे और आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी देन विल अगेन कम विद सच वीडियो थैंक यू सो मच